और अगर आप 6.1 या 6.3 या 6.4 चाहते हैं या अदर्स कोई एक्सरसाइज चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है लिंक पे क्लिक करके मेरा वेबसाइट में जा सकते हैं वहां पर आप चैप्टर वाइज वीडियो को सर्च कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर सिक्स का हम यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पर सिक्स जो होता है सिक्स मेनली प्रोपोर्शन बेस्ड प्रॉब्लम है ओके अब प्रोपोर्शन बेस का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है Proportion, अगर मान लीजिए सपोज ए बी सी डी चारों नंबर मैंने ले लिया ओके okay? अगर चारों नंबर इन प्रोपोर्शन मींस इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इज फर्स्ट इनटू लास्ट सो ए इनटू डी विल बी इक्वल टू सेकंड इनटू थर्ड मींस बी इनटू सी ओके आपको प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला याद रखना होगा फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर

टू का मतलब होता है यहां पर आपको दिखाना है टू फॉल्स इसका मतलब आपको यहाँ पर दिखाना है चारों नंबर दिया हुआ है चारों नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं प्रोपोर्शन के होने के लिए मैंने क्या किया था आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना होगा सेम आ रहा है कि नहीं सो फर्स्ट इंटू लास्ट देन वन पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट जीरो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे जो नो इक्वल आ रहा है कि नहीं सो टू पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट टू इसका आंसर हो गया टेन पॉइंट फाइव और यहां पर 1.5 पॉइंट फाइव इंटू इसका भी आंसर हो गया 10.5 पॉइंट फाइव अब दोनों इक्वल है सो पहला वाला आ गया ट्रू चलिए अब नेक्स्ट वन नंबर दो पे चलते हैं 1 बाई टू इज टू वन बाई थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री इज टू वन बाई फोर अब यहां पर देखाना है दोनों ही रेशियो इक्वल है अब देखिए यहां पर रेशियो जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है फ्रैक्शन रेशियो को हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो डिविजिबल बाई डिनोमिनेटर होगा अब यहां पर देखिए आपके पास जो पहला वाला ही, है टू और है टू और थ्री इज द डिनोमिनेटर तो पहला वाला जो रेशियो है हम उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ही सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हाफ को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर वन बाई थ्री को भी हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा थ्री यहां पर हो जाएगा टू इसका मतलब थ्री टू पहला मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सो फोर इज टू थ्री अब देखिए थ्री इज टू टू एंड फोर इज टू थ्री इट्स नॉट मैंने इट्स से मल्टीप्लाई किया दूसरे को मैंने 12 से multiply किया. अब 6 और और कैसे निकालेंगे? 6 और 12 के लिए आपको यहाँ पर LCM करना होगा मैंने टू और थ्री को एलसीएम करके सिक्स निकाला है थ्री और फोर को एलसीएम करके टेल्व निकाला है चलिए थ्री ट्वेंटी फोर मेन पीस टू सिक्सटीन मेन इक्वल टू थर्टी थ्री और यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है एच आर एच आर का मतलब आवर होता है फिर भी मैंने यहाँ पर हॉर्स को एच आर लिखा है तो यहां पर देखिए ट्वेंटी फोर और सिक्सटीन अगर इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो सिक्स और यहाँ पर फोर फिर टू से डिवाइड करेंगे थ्री टू इसको इलेवन से डिवाइड करेंगे थ्री और टू So, दोनों में ही रेशियो थ्री टू टू आ रहा है इसका मतलब आंसर हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट नंबर टू वन चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट अब प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला आपको बोल दिया है फॉर्मूला क्या था फर्स्ट इनटू लास्ट अब फर्स्ट नंबर कितना है एटीन लास्ट नंबर फाइव देन सेकेंड इंटू थर्ड सो वन इक्वल टू नाइनटी इट्स 90 सो फर्स्ट वन यस दे आर इन प्रोपोर्शन आपको यहां पर ऐसे लिखना होगा दिस फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन हो गया आंसर चलिए नेक्स्ट वन थ्री थ्री होल वन बाई टू फोर फोर होल वन बाई टू सो फर्स्ट इन टू लास्ट लास्ट में फोर होल वन बाई टू इसको हम ब्रेक कर लेंगे फोर टू जय एट प्लस वन सो नाइन बाई टू Or, which uh, may upper 3 whole 1 by 2? 3 to a 6, so 7 by 2 into 4, second into third. So, we are 27 by 2, here 28 by 2, that is 14. This is not equal, so your answer is no. Now, next one, number 3. Number 3, 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, 0 0.6. So 0 0.1 into 0 0.6, okay, that one equal to 0 0.1 and 0 0.6, 0 0.06. 0 0.2 into 0 0.3, 0 0.06. Again, yes, these are in proportion. Okay. Now next one number three. So very easy chapter. फॉलोइंग प्रोपोर्शन एक्स इज टू फोर नाइन इज टू ट्वेल्व अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई फोर नाइन बाई ट्वेल्व क्योंकि रेशियो का मतलब होता है अगर ए इज टू बी लिखना है तो इसको आप ए बाई बी भी लिख सकते हैं रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सो फोर को कैंसिल आउट कीजिए थ्री देन थ्री सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स इक्वल टू थ्री then this one number 1 number 2 1 by 13 is to x proportion 1 by 2 is to 1 by 5 formula apply kar dijiye first into last equal to second into third so 1 by 65 x by 2 so x equal to 2 by 65

डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर दल टू एक्स का पॉइंट उठा लेंगे इसको भी पॉइंट उठा देंगे फोर नाइन थर्टी सिक्स सो इट्स फोर पॉइंट फाइव सो एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव दैट इज योर आंसर चलिए ना नेक्स्ट वन नंबर फोर फाइंड दशनल फोर्थ का मतलब होता है पहला वाला दिया हुआ है दूसरा वाला भी यहां पर दिया हुआ है तीसरा सेवन और फोर्थ आपको निकालना है मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने यहां पर एक्स लेट कर लिया है ओके okay? तो so, चारों नंबर प्रोपोर्शन में इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इनटू थर्ड सो एक्स इक्वल टू ट्वेल्व इंटू सेवन बाई फोर्टी टू सो सिक्स देन टू सो एक्स इक्वल टू टू दीन्स टू इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल this is number 1 number 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 or yapa x so 1 by 3 into x 1 by 4 1 by 5 so x equal to yapa 3 4 5 za 20 that is your answer last one number 3 3 kg 12 kg 15 kg last one x kg so 3 into x 12 into 15 3 fives are 15 so x equal to 60 kg that is your answer now next number 5 check whether 7 49 343 are in प्रोपोर्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है मान लीजिए ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दैट मींस ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी कंटिन्यू का मतलब क्या होता है जो एक बार आपने लिख लिया उसको आपको कंटिन्यू करना होगा ओके okay, तो बी मैंने यहां पर ए के नीचे लिखा है इसलिए बी को आपको दोबारा लिखना होगा दैट इज कंटिन्यूड ओके सो ए बी यहां पर मैंने बी लिखा है यहां पर भी मैंने बी लिखा है अब मान लीजिए सी के बाद अगर डी रहता तो यहां पर हम फिर से सी लिखते फिर यहां पर डी लिखते ओके okay? सो so, एक एक नंबर करके यहां पर कंटिन्यू होता है तो सेवन फोर्टी नाइन थ्री फोर्टी थ्री ओके चेक वेदर दिस नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट अब यहां का देखिए ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो इसका आपका जो कंडीशन होता है कंडीशन क्या होगा अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी आ जाएगा बी इंटू दैट मीन बी स्क्वायर इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है जो मिडिल नंबर है मिडिल नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे so first number into third number, उससे इक्वल होगा अब मेरे पर फर्स्ट नंबर कितना है सेवन थर्ड नंबर कितना है थ्री फोर्टी थ्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो नंबर है फोर्टी नाइन उसको हम स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर का मतलब होता है फोर्टी नाइन इंटू फोर्टी नाइन अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे वहां पर सेम आ रहा है कि नहीं अगर सेम आ जाएगा तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो जाएगा अब तो हो गया टू फोर जीरो को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी टू फोर जीरो वन दैट मींस फोर्टी नाइन स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन इंटू थ्री फोर्टी थ्री सो दिस थ्री नंबर आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन इट्स प्रूवड क्लियर आपको यहां पर लास्ट में लिखना होगा दिस थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन चलिए नेक्स्ट वन नंबर सिक्स फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन थर्टी सिक्स एट्टीन थर्ड वन ओके मान लीजिए थर्ड वन मैंने यहां पर एकट कर लिया है तो थर्ड प्रपोर्शन इसका मतलब थर्टी सिक्स फिर यहां पर हम एटीन लिखेंगे फिर 18 को हम डबल करेंगे और यहां पर एक्स लिखेंगे आप डिरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर तीनों नंबर इन प्रोपोर्शन है सेकेंड का स्क्वायर आई रिपीट अगर तीनों नंबर इन प्रोपोर्शन होता है सो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इंटू सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर सो एक्स इक्वल टू 18 into 18 by 36 so x equal to 9 so third proportion equal to 9 5 whole 1 by 2 comma 7 comma x so 5 whole that means uh, 20 and 21 so 21 by 4 into x equal to 7 into 7 so x equal to 7 into 7 then 4 by 21

तो so, breadth दिया हुआ है यहाँ पर 20.5 तो so, जहां पर breadth लिखा हुआ है वहां पर हम लिखेंगे 20.5 इक्वल टू 7 by 5 तो so, यहाँ से मुझे डायरेक्ट लेंथ मिल जाएगा, सो लेंथ इक्वल टू 7 by 5 देन into 20.5 ओके, okay? सो so, 20.5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, so 5 fours are 20.1, so 4.1 इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ones are 7 And 7 fourths are 28. So 28.7 centimeter that is the length. And that is your answer. Now the last one. Eight. The ages of Amit and Archana are in the ratio four is to five. Okay. So age of Amit. Then age of archana.

और जहां पर एज ऑफ अर्चना लिखा हुआ है वहां पर सेम रहने देंगे क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है अब जो यहां पर 56 लिखा हुआ है 56 को हम 4 से डिवाइड डिवाइड कर कर देंगे देंगे सो सो इट विल बी सॉरी दिस वन नॉट 14 हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर देखिए वन हो गया सो वन इंटू एज ऑफ अर्चना तो यहां पर एज ऑफ अर्चना ही रहेगा कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर आठ लिख देते हैं एज ऑफ अर्चना और 5 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? Okay? सो so 5 इनटू 14 दैट मेंस 70 मंथ। अब 70 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, सो so इसको 12 से डिवाइड करेंगे, सो so 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स का मतलब होता है 60, सो so यहाँ पर 10 मंथ रह जाएगा, सो so 5 ईयर्स 10 मंथ, दैट इज योर आंसर।